अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिकेल्स के ऊपर बात किया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि डिकेल्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ और नए ट्रिक्स को देखेंगे और समझेंगे कैसे हम लोग इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें और भी कुछ हम लोग बढ़िया सा कुछ डिटेल्स हम लोग दे रहते हैं। जैसे ये तो एक आ गया, और भी कुछ हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं, बैक जाते हैं, डिकेल्स डिकेल 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 पे हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पर एक ब्लड बोलकर एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग जाते हैं, ब्लड स्प्लैटर। बहुत सारा ब्लड का आपको मिल जाएगा, और बेसिकली ये ब्लर होते हैं ग्राफिक कंटेंट, तो इसके लिए ये ब्लर करके रखता है। कोई बढ़िया सा स्प्लैटर ये वाला ले लेते हैं, ब्लड स्प्लैटर हमें ये वाला लेना है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसे डाउनलोड में लगा देते हैं। इन सबको यहाँ लेकर आएंगे, सबको टेक्सचर किया, और ओपेसिटी को क्या कर देंगे, अल्फा कर देंगे, टेक्सचर ओपेसिटी अल्फा। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग एक नया सा एक पेंट लेयर ले लेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, जैसे किया था हमने पहले, बेस कलर को बेस कलर में डाल देंगे, और यहाँ से नॉर्मल है, नॉर्मल को नॉर्मल में डाल लेते हैं, रफनेस को रफनेस में डाल लेते हैं। इसमें हाइट की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग हाइट को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले को हम लोग डाल लेते हैं अल्फा में। तो हमारे पास देखिए ऐसे एक आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले को थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस तरह से। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, और आप देख सकते हैं ये बन गया पान का पीत। ऐसा लग रहा है किसी ने पान खाकर थूक दिया है। और ये वाला जो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका रफनेस को यहाँ से हटा देता हूँ, एक बार बैग जाता हूँ, रफनेस हटा के रफनेस को पूरा फुल कर देता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि ये पान जो है किसी ने खाकर थूका है और ये सूख चुका है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ये वाला थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ऐसे। ये लग गया पान खा के किसी ने थूक दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी एक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिकेल्स, ग्राफिटी, यहाँ से कुछ ग्राफिटी यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला ऐसे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक नया लेयर ले लिया, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कलर को हम लोग डाल देंगे कलर में। और यहाँ बाकी कुछ है नहीं, सिर्फ हमारे पास कलर मैप है और एक अल्फ़ा है हमारे पास, तो इसको हम लोग डालेंगे यहाँ पे अल्फ़ा में। और ये अल्फ़ा जा नहीं रहा है, आई गेस मैंने कुछ गड़बड़ किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, इन सबको हम लोग यहाँ पर लेके आए, दोबारा से एक बार मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये टेक्सचर में होगा और ओपेसिटी जो है वो अल्फ़ा में जाएगा। अब सही है, अभी ये वाला जाता है अल्फा में। हाँ, अब ये ठीक है, अभी देखिए ये आ गया ना सही। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ग्राफ्टी, ये बन गया। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ्टी जो है बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा वॉश्ड आउट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड फिल्टर लगाता हूँ। यहाँ से हम लोग चला जाते हैं हम लोग ह्यू सैचुरेशन एंड लेवल्स में, और थोड़ा सैचुरेशन को हम लोग डाउन कर दें, ताकि ऐसे लगे कि कलर जो है थोड़ा सा फेड हो गया है।
ये थोड़ा कलर फेड हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से हम लोग ब्लैक मास्क करते हैं, और यहाँ से ऐड 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 फिल लेयर, ग्रे स्केल, और यहाँ पे कोई एक ग्रंज मैप इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये ग्रंज मैप अप्लाई किया, थोड़ा सा बैलेंस को मैं ये इंक्रीज करता हूँ। अभी देखिए ऐसा लग रहा है कि ये पुराना हो गया और ये फटाफटा सा लग रहा है। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे ग्राफ्टी बना दी, हमने यहाँ पे पान का भीत बना दिया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा टूटा फूटा डिकेल्स टाइप का हमने दे दिया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और हाँ, एक सेकेंड, पसंद आने से पहले, पसंद तो ऑब्वियसली आया ही होगा, एक और काम कर लेते हैं। विंडोज़ और कहाँ चला गया, व्यूज, एसेट्स, एसेट्स, यहाँ पे हम लोग जाते हैं सबसे पहले हाइट में, और हाइट को थोड़ा सा डाउन करते हैं, और इस वाले लेयर में क्या करेंगे, मास्क में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा होगा कंक्रीट मास्क, ठीक है, कंक्रीट को इसके ऊपर डाल देंगे। तभी आप देख सकते हैं साइड में ऐसा टूटा फूटा ऊबड़ खाबड़ टाइप का भी हमारे पास आ गया इफेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा साइड का टूटा फूटा इफेक्ट भी आ गया। इसी को हम लोग एक और नया लेयर लेंगे, हाइट लेंगे, हाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, और यहाँ पे कोई दूसरा लाइक इस तरह का कुछ हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, इसके ऊपर भी हमें एक इफेक्ट देखने को मिलेगा पूरे ऑल ओवर बॉडी में। तो अब मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी अगर डाउट है तो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली मैं बैठा ही हूँ आप लोगों को बताने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।